रामपुर मिलक क्षेत्र में दिल्ली बरेली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर सावन के पहले ही सोमवार को बड़ा हादसा हुआ। यूपी रोडवेज की बस से प्राइवेट वॉल्वो बस की आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें प्राइवेट बस के ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 49 यात्री घायल हुआ है। घायलों का उपचार मिलक पेशी में कराया गया, जिसमें 9 यात्रियों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। निजी वॉल्वो बस हरिद्वार से श्रावस्ती जा रही थी, जबकि रोडवेज बस बरेली से दिल्ली की ओर जा रही थी कि दोनों में आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। कांवड़ यात्रा का रूट डायवर्ट होने के चलते प्रशासन में हड़कंप मच गया और इस सड़क दुर्घटना की जैसे ही सूचना जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र को हुई, तुरंत ही DMSP मौके पर पहुंच गए। वही DM रामपुर जोगेंद्र सिंह ने बताया, लगभग 4:30 बजे का समय था, इसमें जो रूपी रोडवेज की बस जनरल होती है उसका और एक प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हुआ है NH 24 पर, जिसमें लगभग 49 लोग घायल हुए हैं, 3 कैजुअलिटी हुई है। सभी लोगों को CHC मिलक में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 9 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज सुचारू रूप से कराया जा रहा है, इसमें 3 कैजुअलिटी है, इसमें एक ड्राइवर है, संभवतः जनरल बस का, बाकी डिटेल नोट की जा रही है। और सर मिलक में सर भीषण हादसा हुआ है सर, 2 बसें आपस में टकराई है सर, क्या सर कितनी कैजुअलिटी हुई, सर कितने लोग घायल हैं? ये सुबह का समय था लगभग 4 बजे का, जिसमें एक यूपी रोडवेज की जो जनरल बस होती है उसका और एक प्राइवेट बस थी, उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ है NH 24 पर तहसील मिलक में। उसमें लगभग 49 लोग घायल हुए हैं, 3 कैजुअलिटी हुई हैं और अभी यहाँ CHC मिलक में लगभग सबको रेफर भर्ती कराया गया था, उसके बाद 9 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और सभी का इलाज सुचारू रूप से चालू है। सभी के डिटेल्स हैं वो नोट किए जा रहे हैं। उसमें लगभग 3 कैजुअलिटी हुई हैं, संभवतः एक ड्राइवर है जन्नत बस का और बाकी 2 और कैजुअलिटी हैं। आज सर बताना कि रूट सर डाइवर्ट था, सर रूट डाइवर्ट है? नहीं देखिए, रूट डाइवर्ट नहीं था, ये कांवड़ का समय चल रहा है तो जो ये प्राइवेट बस आ रही थी वो रॉन्ग साइड पर आ रही थी और सुबह का समय था तो उसी समय, और ये जो पॉइंट है आपका ये ट्राई जंक्शन का पॉइंट है, तहसील के लिए क्या कहते हैं एक कट है इसमें हाईवे पर, वहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ। महाराज जी क्या नाम है आपका? विष्णुपाल गुप्ता। सर कहाँ से आप आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? श्रावस्ती से गए थे हरिद्वार, गुरु पूर्णिमा पर्व में शांति कुंज हरिद्वार, अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो केंद्र है, तो हर वर्ष जाते थे तो इसमें जो है हम गए थे बस से, प्राइवेट बस से। अच्छा। और उधर से हम आ रहे थे 9:30 बजे, कल DPR ख़त्म हुआ और इस बस 9:30 बजे हम लोग निकले वहाँ से, और इसके बाद जो आ रहे थे तो कांवरिया का जो है कुछ उनका निकलना था तो इसलिए 2 4 लेन पे नहीं जा करके 2 लेन पे बसें जा रही थी, तो इधर से हम लोग बरेली के लिए जा रहे थे, उधर से दिल्ली के लिए कोई गाड़ी आ रही थी रोड पे, और वो हमारे ड्राइवर ने जब हमने देखा कि जो है देर हो गया है और दूसरा ड्राइवर गाड़ी चलाया तो उसने चाय भी 5 मिनट पहले पी और जैसे 10 किलोमीटर गाड़ी निकली बस रोडवेज ने आकर के लड़ा दिया, और हमारे जो है 35 से 40 लोग घायल हुए, 4 लोग ख़त्म हो गए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? शौकत। चलिए क्या हुआ? सीतापुर से बस आई थी वो एक ढाबे पर आगे रुकी थी, सीतापुर से चल के थोड़ी दूर के बाद फिर वहाँ से ये चली और यहाँ मिलक में, अब दिल्ली से आ रही बस दिल्ली से आने वाली और सीतापुर जाने वाली बस वो क्रॉस में ही टकरा गई और दोनों ड्राइवरों के आगे आगे के हिस्से जो है आपस में लड़ गए और बहुत ज़बरदस्त मतलब जो है धमाका हुआ।